बिलारी नगर के स्टेशन रोड स्थित एसडीओ कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बिजली की समस्याओं को लेकर कार्यालय पर धरना दिया। घंटों चले प्रदर्शन के बाद बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई। बिजली कटौती से किसान परेशान हैं। कटौती की वजह से फसलों की पूरी सिंचाई नहीं हो पा रही है। किसानों ने बताया कि 10 घंटे की बजाय महज 2 घंटे बिजली मिल रही है। इसमें भी बार बार ट्रिपिंग होने से समस्या आ रही है। कई बार अधिकारियों से शिकायत हुई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्षेत्र में इन दिनों बिजली कटौती से किसान परेशान हैं। किसानों की फसल सिंचाई भी नहीं हो पा रही है। एसडीओ ने आश्वासन दिया कि 3 दिन के अंदर आपके जो भी बिजली की समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। 4-5 कार्यकर्ता एसडीओ साहब से मिले लेकिन उनकी बात पर ध्यान ना दिया एसडीओ साहब ने और उन्हें डांट दिया। अब भी हम लोग यहाँ पर बैठे धरने पर तो एसडीओ साहब बोले क्यों बैठे हो, उनकी व्यवहार बढ़िया नहीं है। हमारी मांग ये है कि हमें कम से कम 20 घंटे सप्लाई मिलनी चाहिए और एसडीओ साहब का ट्रांसफर होना चाहिए यहाँ से। उनकी तानाशाही नहीं चलेगी और जेईओ को यातना देनी चाहिए कि सब अपना फोन कस्टमर का किसान का फोन उठाए ना, तो हमारा संघर्ष लगातार चलता रहेगा। हम बहुत लोग परेशान हैं, किसान सभी लोग परेशान हैं क्षेत्र में, तो यही हमारी मांग है। धन्यवाद। आज ये धरना प्रदर्शन किया गया है। बिजली की हट धर्मिता और इनके जिद्दी पने को लेकर पूरे जिले में त्राहिमाम मचा हुआ है। इस समय गर्मी चरम पर है, गन्ने को सबसे ज़्यादा पानी की जरूरत है, फसल को पानी की जरूरत है। इसी टाइम जो मुख्यमंत्री का आदेश है कि 10 घंटे किसानों को बिजली दी जाए जो कि खेती के लिए है और 24 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में दी जाए, और बिजली आ रही है 4-4, 5-5 घंटे, उसमें भी ट्रिप ले ली जाती है, कभी तार टूट जाते हैं, ओवरलोड का बहाना कर लेते हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर प्रत्येक ब्लॉक पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज ये बिलारी तहसील के 3 फीटर पर है और यहाँ पर एसडीओ साहब का आज घेराव किया गया, क्योंकि यहाँ पर किसानों की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। मुश्किल से 4 घंटे बिजली आती है, इसमें भी बार बार आती है, चली जाती है ट्रिपिंग लेकर। क्या आश्वासन दिया गया एसडीओ साहब? 3 दिन का समय दिया गया है, 3 दिन में सुधार करेंगे। जहाँ जहाँ ट्रिपिंग आ रही है, जहाँ पर तार कमजोर है, उनका सुधार किया जाएगा, और नहीं होगा तो 3 दिन बाद फिर बड़ा प्रदर्शन होगा, चाहे रूट जाम करनी पड़े या कुछ भी, क्योंकि 20-25 दिन के लिए चाहिए, फिर मानसून आ जाएगा तो इतनी जरूरत है नहीं फिर बिजली की। बिजली की जिस समय जरूरत है उस समय ये परेशान करेगा। ठीक है, धन्यवाद। की समस्या आती और गन्ना मूल्य भुगतान की समस्या आती। बिजली में आप ये लगा लो जरगांव फीटर, मुबारकपुर और बिलारी का ईस्ट फीटर, यहाँ बिजली मुश्किल से 3-4 घंटे किसानों को मिल रही थी, जिसमें एसडीओ साहब का धरना हुआ, तहसील के भी अधिकारी थे और आप एसएसआई भी थे, थाने के तमाम एलआईयू के सब लोग थे, उनके सामने ये बात हुई है कि 3 दिन में हमने कही जो हमें 10 घंटे का अगर आता जिसमें तो हमें 10 घंटे तो दिन में नहीं आ रही रात में, तो इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 3 दिन में बिजली सुचारू कर देंगे, नहीं करेंगे तो दोबारा फिर बढ़ा देंगे। क्या समस्या आ रही थी बिजली को लेकर किसानों? बिजली को समस्या ये आ रही है, एक बात है, 2-3 घंटे बिजली आ रही है तो उससे भराई हुई नहीं रही। इनका ये कहना है कि सा ओवरलोड है, तार टूट जाए, हमने कि भैया ओवरलोड तार का अपना तुम दिखवाओ, जहाँ तार खराब है तार लगा दो, लेकिन हमें बिजली दो। क्या आश्वासन दिया गया है उन्होंने? ये कही है कि साहब 3 दिन में हम बिजली की स्थिति जो 10 घंटे के आदेश है, 10 घंटे आपको बिजली मिलेगी, और नहीं मिलती है तो फिर आप ये लगा लो, हम धरना प्रदर्शन बना पूरे जिले।